मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीटिंग में किसानों को निर्बाध बिजली देने के लिए 11 केवी फीडर सेग्रेशन के कार्यों को मंजूरी, आरजीएचएस का दायरा बढ़ाने पर मंजूरी, कार्मिक के माता पिता या फिर सास ससुर को सम्मिलित करने का विकल्प और इसके अलावा मीटिंग में कर्मचारी कल्याण, कृषक हित और इसके साथ ही विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण और रेल परिवहन के विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब पुरुष और महिला कार्मिकों को CGHS की तर्ज पर अब RGHS में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या फिर अपने सास ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिले। इसके साथ ही शर्त यह है कि माता पिता या फिर सास ससुर आश्रित होने के साथ ही पुरुष या फिर महिला कार्मिक के साथ निवास करते हो। इस संबंध में बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा की क्रियान्वित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम 3 ब्रैकेटों में संशोधित किया जाएगा। प्रदेश में मेडिकल और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि दोनों विभाग की ओर से नई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप का प्रेजेंटेशन भी इस दौरान दिया गया। हालांकि इन पॉलिसीज पर मुहर अभी तक नहीं लगी है, अभी इन पर अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद इस पर आगे सुझाव लेकर के इसे आगे लागू करने पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 55 और 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। वही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 14A और 20 के उपनियम 4 और राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय सेवा नियम 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 और नियम 30 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इन संशोधनों से न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कार्मिकों, चालकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो दो या फिर दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए हैं। अब उनकी पदोन्नति के लिए उस तारीख से विचार किया जा सकेगा जिससे उनकी पदोन्नति तय हो गई थी और उन्हें नॉशनल वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।